जोधपुर में चलती कार में लड़की से गैंगरेप, नाबालिग लड़की के साथ बीती रात हुई दरिंदगी, वारदात के बाद सड़क पर पीड़ित को फेंक कर हुए फरार। दबोचे गए जोधपुर में गैंगरेप के आरोपी, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। आईपीएल में फिर गरमाया फिक्सिंग विवाद, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी प्रवीण तांबे से फिक्सिंग के लिए मुंबई के खिलाड़ी ने किया था संपर्क। तांबे ने मुंबई के खिलाड़ी हिकेन शाह पर लगाया आरोप, कहा हिकेन ने फिक्सिंग के लिए किया था संपर्क, बीसीसीआई से की थी शिकायत। बीसीसीआई ने शिकायत मिलने के बाद हिकेन को निलंबित किया था, अनुशासन समिति को सौंपा था केस, कल बीसीसीआई करेगी बड़ा खुलासा। लालू यादव ने पटना में राजभवन तक किया मार्च, जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद बोले मंडल से भी बड़ा होगा लंका कांड। ये जो सर्वेक्षण हुआ है इसको प्रकाशित करो, आ नहीं तो हम ठप कर देंगे, पूरा देश को हम ठप कर देगा राष्ट्रीय जनता दल, और आज बिहार राजभवन में ये छोटा हमारा मार्च है। कोई आंदोलन वगैरह नहीं है, हताशा का मार्च है, ये हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और सड़क का सब सड़क पर ही रह जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का चुनावी अभियान तेज, 25 जुलाई को पटना जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसी दिन मुजफ्फरपुर में करेंगे रैली, 16 जुलाई को अमित शाह पटना में बीजेपी के प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों का रैली का ऐलान, राज्य सरकार ने नहीं दी इजाजत, सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शबीर शाह, यासीन मलिक को नजरबंद किया। राहुल ने कहा रेहड़ी वालों का छीना जा रहा है रोजगार, हटाए जा रहे हैं शेड्स। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको शहर में जगह नहीं दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भोपाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के जनसंपर्क अभियान को बढ़ावा देने की मुहिम। वाराणसी में 16 जुलाई को पीएम मोदी की सभा कराने की तैयारियों में जुटा प्रशासन, तैयार किया जा रहा है एल्युमिनियम का टेंट, 25,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता, 250 लोगों की टीम तैयारी में जुटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इफ्तार पार्टी दी, उपराष्ट्रपति शीला दीक्षित के साथ उपराज्यपाल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे, पार्टी के दौरान एक दूसरे से गले मिले केजरीवाल और नजीब जंग, पाकिस्तानी उच्चायुक्त भी थे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दिल्ली में आज इफ्तार पार्टी, कई राजनीतिक दलों के दिग्गजों को भेजा गया न्योता, मुख्य मेहमानों में मुलायम सिंह यादव, मायावती, शरद यादव, सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और फारूक अब्दुल्ला होंगे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पार्टी में होंगे शामिल, लेकिन पटना में जमे रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, मॉनसून सत्र से पहले सोनिया की इफ्तार पार्टी बेहद अहम, मोदी सरकार को घेरने के लिए बन सकती है रणनीति। लालू यादव ने आज पटना में किया है इफ्तार पार्टी का आयोजन, हाल ही में बने महागठबंधन के कई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की इफ्तार पार्टी से दूर रहे बीजेपी के दिग्गज, मुफ्ती ने दिल्ली में दी थी इफ्तार पार्टी, पार्टी से गायब रहे पार्टी के केंद्रीय नेता, सिर्फ उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और लाल सिंह की दिखी मौजूदगी। केंद्र के मंत्रालयों के ट्विटर फॉलोअर्स के मामले में राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पर, गृह मंत्रालय के फॉलोअर्स की तादाद 5 लाख के पार। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के पास हैं फॉलोअर, 69 लाख से ज्यादा है संख्या। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में मामूली विवाद में जमकर पथराव, बच्चों के झगड़े में कूदे बड़े। विवाद के बाद मजनू का टीला इलाके में बड़ी तादाद में पहुंची पुलिस, हालात काबू में। गुजरात के वडोदरा में बड़ा टैंकर हादसा, टैंकर ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचला, मौके पर ही 4ों की मौत। सलमान के हिट एंड रन केस में सुनवाई टली, हाईकोर्ट में अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई। आसाराम केस से जुड़े गवाह कृपाल सिंह की हत्या केस में तफ्तीश तेज, यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने एक स्कूल प्रबंधक समेत 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर पुलिस ने एक टीम गुजरात भेजी, पीड़ित के पिता का बयान, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका करेंगे दायर। पुंछ के छत्रसाल में फटा बादल, बाढ़ के बने हालात, आर्मी कैंप में घुसा पानी, 11 जुलाई की घटना।
बादल बढ़ने से तबाही ने सेना के बीच शेल्टर्स को किया नष्ट, रसद से लेकर तमाम जरूरी चीजें बाढ़ में बही। व्यापम केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम का गठन, जांच के सिलसिले में आज भोपाल पहुंच रही है टीम। व्यापम की जांच के लिए सीबीआई ने 40 सदस्यों की टीम बनाई है, व्यापम से जुड़े सभी मामलों की करेगी जांच। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का बयान, व्यापम घोटाले पर अफसोस नहीं, कांग्रेस पर साधा निशाना। पता है लेकिन कांग्रेस की अकल लापता है, कांग्रेस की अकल लापता है। ये 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 एक दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के न्यायालय पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी के नेता के आयोजन में सामने आई अंधविश्वास की तस्वीर, एक शख्स ने गर्म खीर बच्चों के शरीर पर फेंकी। धर्मशाला में संदिग्ध हालत में मिला विदेशी महिला का शव, अमेरिकी मूल की महिला की हत्या की आशंका। दिल्ली में बीती रात दो सड़क हादसे, सिविल लाइन्स इलाके में पहली घटना में तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर तैनात 5 ट्रैफिक पुलिस वालों को रौंदा, 2 की हालत गंभीर। कश्मीरी गेट से वजीराबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर हुआ दूसरा हादसा, कार में सवार एक महिला जख्मी, 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को मारी गोली, हमले के बाद लाखों की नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार। दिल्ली में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला पिज्जा डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, घर वालों की शिकायत के बाद गिरफ्तारी, रविवार दोपहर दिल्ली के आश्रम में हुई वारदात। बीती रात मुंबई में 2 महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला, 1 की मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चीन में प्राकृतिक गैस में लगी आग हुई बेकाबू, ऊंची लपटों ने कई कारों को किया खाक, आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को करनी पड़ी खासी मेहनत। चीन के झिनजियांग प्रांत में 7 साल के बच्चे को नदी में डूबने से बचाया गया, खेल खेल में गहरे पानी में चला गया था मासूम। 18 साल की हुई नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, लेबनान में मनाया अपना जन्मदिन। नोबेल शांति विजेता यूसुफजई ने खोला स्कूल, मलाला के स्कूल में सीरियन रिफ्यूजियोज को दी जाएगी शिक्षा। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता उमर शरीफ को काहिरा में दी गई अंतिम विदाई, शुक्रवार को 83 साल की उम्र में हो गया था निधन। कर्ज संकट में फंसे ग्रीस को तीसरा राहत पैकेज देने को लेकर यूरो जोन के वित्त मंत्रियों की आज फिर होगी वार्ता, यूरोपीय संघ ने कहा सुधारों को लेकर गंभीरता दिखाई ग्रीस। मेक्सिको के कोलिमा राज्य में ज्वालामुखी फटने से आई आफत, इलाके को लोगों से खाली कराया गया, आधा दर्जन बस्तियां खाली। अमेरिका के केंटकी में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सड़कों पर चलने लगी नाव, लोगों की मदद के लिए गोताखोर तैनात। अमेरिका के लुइसविले में उफान पर नदियां, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।